मैं संजय कुमार और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संजय मिक्सटेक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये टायर्स कटर मशीन है, मैं इसकी फील्ड को कैसे बदलते हैं इसका आज तरीका आपको बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख लीजिए, ये हमको फील्ड को निकालना है। तो अभी हम ये दो पैंच लगे हैं इनको निकालेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, ये फील्ड पीछे की तरफ ये हमारे जो कार्बन होल्डर होते हैं इसके ऊपर इस फील्ड को देखिए आप, ये जो हमारे विंग है वो लगी हुई है, उनको हम पैंच कैसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने निकाल लिया है। देखिए इस तरह से हमको निकाल लिया है और अब यह फील्ड हमारी निकालने के लिए तैयार है। इन दो पैच को हम खोल लेते हैं। देखिए हम इस तरह से पीछे से आराम से पैच की मदद से इसको निकाल लेते हैं। देखिए अभी मैं इस फील्ड को लगाना दिखा रहा हूँ आपको, और मैं दिखा दूँ इसके अंदर ये तो होल हैं जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको पेंचकस की मदद से दिखा देता हूँ। ये जो जो दो ये एक और दो, ये जो दो होल हैं इन्हीं दोनों होलों को हम इन होल के सामने रख के इसको लगाते हैं और उसमें पैच कसेंगे। लेकिन मैं इसको लगाने का सही तरीका आपको दिखा दूँ। देखिए ये जो लाइन आ रही है जो आपको दिख रही होगी, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये जो लाइन आ रही है और यह इस नट की सेंटर में लाइन आ रही है, तो इसको हम पूरा सेंटर मान सकते हैं। और इसको सेंटर हम मानते हुए देखिए आप, ये जो लाइन है प्लास्टिक की मैंने अभी जो दिखाई थी और ये इसका होल है, इसको आप सेंटर लाइन में रख लें, कुछ सीधा ऐसा ही इस तरफ रख लें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ऐसा करके आराम से इसको धीमे से बैठाते जाएँ। अगर आपको यह तरीका सही नहीं लग रहा हो तो इसके लिए एक तरीका और है, देख लीजिए। यह आप पैच पहले से डाल सकते हैं, इसमें इस पैच को पहले से आप डाल दें और पैच को डालने के बाद इसको थोड़ा सा फील्ड को बैठाते जाएं। और बैठाने के बाद हमें क्या करना है, जब थोड़ा सा ये पैच टकरा जाए उस होल में तो उसको हम टाइट करेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लें इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा सा और बैठा लें। देखिए ज़रा, यानी बैठा लिया है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो फील्ड का जो
हॉल है और हमारी जो बॉडी का हॉल है वो अनबैलेंस नहीं होने पाएगा और एकदम हमारी जो फील्ड है एकदम सेंटर में बैठ जाएगी। थोड़ा सा हम इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए आप, ये हमने अभी केवल इन पैचों को एकदम टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला करना है, ये तो इसलिए हमने लगा रखे हैं ताकि ये हमारे जो हॉल है वो अनबैलेंस ना होने पाए, हमारे फील्ड के इस तरफ घूमने ना पाए। तो अभी हम क्या करना है, इसको हमको अब ठोकना है। तो इसको हम किसी लकड़ी की मदद से या हल्के पेचकस की या पिन की मदद से इसको हम ठोक सकते हैं। देखिए आप, ऐसे ठोकना है ताकि हमारे फील्ड का कोई नुकसान ना होने पाए। देखिए इसको हमने ठोक दिया है और हम इसको टाइट करने वाले हैं। ये हमारा टाइट हो रहा है। क्या होगा जब हम हॉल को सामने रखेंगे एकदम, तो हमारी फील्ड अनबैलेंस नहीं होने पाएगी और एकदम से टाइट हो जाएगी। देखिए आप, फील्ड हमारी टाइट हो चुकी है, एकदम से हमने इसको टाइट कर लिया है। और अब हमारी बारी आती है, जो पीछे हमने जो रिंग निकाली हुई थी, ज़रा जूम करके देखें, उसको इस तरह से लें और पेचकस से उठा लें हाथ से। देखिए आपको दिख रही होगी, इसको हम उंगली से या पेचकस की मदद से, जैसे हमने निकाली थी, देखिए आप, ये जो हमारी रिंग है दिख रही होगी आपको, इसको हम लगाते हैं और इसको हम पेचकस या हाथ की मदद से लगा देते हैं। देखिए एक साइड की लग चुकी है, हम ऐसे दूसरी साइड की लगा देते हैं। इसमें जल्दबाजी ना करें और इसको सावधानी से लगाएं, क्योंकि यह रिंग जो है वो इसका मेन पार्ट होती है और यह सही तरह से लग जाएगी। देखिए आप, ये हमारी रिंग लग चुकी है, आप देख लीजिए इसको, जूम करके दिखाएं जरा। तो हमारी दोनों रिंग लग चुकी है, ये भी रिंग लग चुकी है हमारी, और इसको भी दिखाया जा रहा है, ये भी हमारी रिंग सही तरह से लग चुकी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा जो कार्बन है वो करंट सप्लाई करता है हमारी आर्मेचर को। देखिए आर्मेचर हमारा सही तरह से सेट हो चुका है और हमारी आती है बायर की, तो आप बायर को देख लीजिए, इसमें जो कट लगे होते हैं ग्रुप में, देखिए जो ये कट दिख रहा है ना, तो इसको हम इन बायर को देखिए इसको हम लगाते हैं। हमने इसकी अच्छी तरह से ग्रीसिंग भी कर ली है और ग्रीसिंग करने के बाद इसको बारी आती है लगाने की। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से हाथ से ही ठोक कर चला लेते हैं। देखिए एकदम यह सही चल रही है, अगर यह सही नहीं लगेगी तो यह स्मूथ जो इतनी हल्की चल रही है वो नहीं चलेगी और टाइट चलेगी। तो आप एक बार इसको चला कर देख लें, एकदम सही से घूम रही है। तो आइए हम इसको फिटिंग करते हैं। देखिए फिट हो चुकी है।
मैंने अभी आपको ये फील्ड चेंज करने का आपको पूरा वीडियो बना के दिखाया है और एकदम सरल तरीके से दिखाया है। अगर आपको मेरी वीडियो से छोटी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर।